सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। तो आज आप देख रहे हो, आज हमारे पास यहाँ पे काफी टाइम से मैं इस बाइक का वेट कर रहा था, क्योंकि हमारे सूरत में, गुजरात में यहाँ पे कुछ चुनिंदा ही मॉडल्स इसके अवेलेबल है, यानी कि चुनिंदा बाइक्स ही यहाँ पे अभी तक अवेलेबल हुई है। तो ये है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, और आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट टॉक्स में। तो आज हम इस बाइक का डिटेल रिव्यू करने वाले, तो वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ओवरव्यू लुक की, तो मैं आपको एक छोटी सी वॉक अराउंड दे दूं। कुछ चेंजेस है जो काफ़ी मेजर है, जैसे कि लाइट फ्रंट हेडलैम्प सेक्शन हो गया, या तो फिर कलर जो हो गया, या तो फिर कलर शेडिंग्स हो गए, उनके काफ़ी ज़्यादा मेजर यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इसके फ्रंट एंड से, तो आप देख सकते हो ये चीज़ पूरी चेंज हो चुकी है। जो इसका हेडलैम्प सेक्शन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। स्टिल आपको यहाँ पे हीरो का वही 3D बेजिंग लोगो देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा ही नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक LED हेडलैम्प सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग है, और हीरो ने ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। अगर मैं आपको इसे एक बार ऑन करके दिखा दूँ, तो इसके लिए आपको पहले, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे, तो आप देख सकते हो आपकी बाइक की DRL लाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक स्लिक डिज़ाइन में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक आपको प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे ही आप इसे स्टार्ट करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो मेन लाइट है वो आपको ड्यूअल सेक्शन में देखने को मिलती है, जिसका नाइट थ्रू काफ़ी अच्छा है। और जो नीचे वाला सेक्शन है आप देख सकते हो पैसिंग लाइट का, जैसे हम यहाँ से पैस ऑन करेंगे, यानी कि लाइटिंग सेक्शन को दो अलग चैनल्स में डिवाइड करवा दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको मेन हेडलैम्प मिलेगा, और नीचे आपकी जो डीपर लाइट है उसका अलग से एक प्रोटोटाइप प्रोवाइड करवा दिया गया है। और अगर हम बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो देखो यार मेजर कोई भी चेंजेस नहीं है, आउटर जो एक्सटीरियर चेंज है वही किए गए हैं, जो इनर सारे स्पेयर पार्ट है वो तो आपको स्टील इसमें वही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रॉक सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, जो कि कंफर्ट वाइज और जो लॉन्ग राइडिंग डिस्टेंस होती है, या तो फिर खराब रास्तों पे अगर आप इसे लेके जाते हो, तो स्टील इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इनर सेगमेंट बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है। नीचे अगर हम बात करें फ्रंट वाइजर की, तो आप देख सकते हो ये आपको ग्रे कलर में देखने को मिलता है, हालांकि इसमें और भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, लेकिन ये जो पर्सनली ये ग्रे कलर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये इस बाइक के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पे आपको SBS यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप अगर इसके मैकव्हील पे देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको जो स्टिकर लाइनिंग है वो देखने को मिल जाती है, और इस तरफ आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। मेन बदलाव इसके हेडलैम्प सेक्शन और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फ्रंट में आपको स्टील वही 18:100 एक्सपेक्ट रेशियो का 18 इंच का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी ट्यूब वाले टायर की डिमांड तो चली गई है। तो यहाँ पे आपको सिंगल सेटअप जो चेसी है वो देखने को मिल जाती है। ये रहा इसका 125cc का इंजिन। अब ना एक बात रिलायबिलिटी के बारे में, जो इसका पहले जो लेटा हुआ इंजिन आता था ना 125cc वाला, वो रिलायबल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब हीरो ने इसे ये खड़े वाले इंजन में चेंज किया, तब सबका यही क्वेश्चन था कि क्या ये इंजन भी उस तरीके की रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवा पाएगा जो कि पहले वाली सुपर स्प्लेंडर में आती थी। बट उस पे हीरो काफ़ी हद तक खरी उतरी, और इसकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसी के साथ इसका पिकअप टॉर्क हो गया, जो सब कुछ इंक्रीज हो चुका है इस खड़े वाले इंजन के साथ। तो इसके इंजन के जो पावर फिगर्स है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर हम बात करें साइड एंड पोस्चर की, तो आप देख सकते हो साइड एंड पोस्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको जो इसका फ्यूल टैंक है उस पर आपको सुपर स्प्लेंडर की 3D लोगो मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेक की बेजिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको आपका साइड स्टैंड मिल जाता है, विथ साइड स्टैंड जो वार्निंग लाइट होता है उसके साथ मिल जाता है, वो तो जब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जाएंगे तब देखेंगे। 5-speed गियर बॉक्स है फर्स्ट डाउन, बाकी सब पीछे की तरफ रहेगा, पहला ही आगे लगेगा। और एक चीज़ जो लिटल सी डिसअपॉइंटमेंट करती है ना, हालांकि यहाँ पे अभी पूरी एसेसरीज नहीं लगी हुई है, तो इसका जो ये पार्ट है ना चेन कवर, इसे अब ज़्यादातर बाइक में फाइबर में प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि फाइबर से 2-3 चीज़ें अपग्रेड हो जाती है, जैसे कि बाइक का पिकअप बढ़ जाएगा, माइलेज बढ़ जाएगी, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट स्टिल फाइबर भी इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है।
तो यहाँ पे आपको एक पैसेंजर फुटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप बात करें यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइन की, तो आप देख सकते हो आपको इस डार्क ग्रे स्पोकी ग्रे कलर पे आपको लाइट ग्रे की जो लाइनिंग डिजाइन है वो देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ से लेके हाफ एन साइड तक पूरी जाती है। और पीछे की तरफ आपको अलग सा सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप अपनी बाइक की जो सीट है उसे ओपन कर सकते हो। हालांकि अंडर स्टोरेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कुछ अगर आपको अंदर देखना हो तो एक बार इसे खोल के देख लेते हैं। ये पूरा ही सीट उठेगा, मेरे को दोबारा लगेगा। हाँ, हो गया ओपन। तो अंदर आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये लॉक हो चुका है आगे से, इसलिए खुल नहीं रहा। लेकिन अंदर सिर्फ आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हो गए उसे रखने की जगह मिलती है, ज़्यादा कोई जगह वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। और अगर हम बात करें रियर सेक्शन की, तो रियर में भी ज़्यादा कोई अपग्रेडेशंस नहीं है, बट आपको यहाँ पे जो भी मिलता है वो इस बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपको ये लाइट पूरी LED वाली लगेगी, बट यहाँ पे स्टिल आपको बल्ब लाइट ही रियर में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको LED वाला लुक प्रोवाइड करवाएगी। नीचे की तरफ आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और अगर हम रियर टायर की बात कर रहे हैं, तो रियर टायर आपको TVS का देखने को मिलता है। हालांकि हीरो में पहले से ही टायर जो है वो TVS के ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो रियर में आपको 19:19 एक्सपेक्ट रेशियो का 18 इंच का टायर मिल जाता है। अब इसे थोड़ा सा ही अपग्रेड कर देते ना, तो ये इस बाइक की ग्रिप को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। माइलेज में 1-2 किलोमीटर का ड्रॉप आउट आ जाता, लेकिन फिर जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती। और अगर हम बात करें रियर सस्पेंशन सेटअप की, तो स्टिल यहाँ पे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप मिलता है। हालांकि एक चीज़ है कि इसकी जो ये एडजस्टेबल जो सस्पेंशन सेटअप है, उसमें पहले यहाँ पे स्पोकी एडजस्टेबल आता था, लेकिन अब ये रेगुलर सस्पेंशन सेटअप आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जो कि जो पहले वाला सस्पेंशन सेटअप है उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। आप इसके अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे 5-स्टेप एडजस्ट कर सकते हो। और इसकी राइड क्वालिटी के बारे में मेरे को नहीं लगता मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें साइलेंसर की, तो वहाँ पे भी कोई ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, वही आपको पुरानी वाली जो नॉर्मल सुपर स्प्लेंडर आती है वही साइलेंसर सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टील किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अभी तक कॉम्पिटर बाइक्स में काफ़ी जो 125cc बाइक हो गई वहाँ पे ये किक स्टार्ट हट चुका है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर में आपको स्टील देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक i3S की बैजिंग मिल जाएगी, और इस तरफ आपको प्रोग्राम्ड FI का लोगो देखने को भी मिल जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी बाइक का जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है, हालांकि यहाँ पे भी फ्रंट में बी एसेसरीज लगेगी और उस साइड पे एसेसरीज लगेगी, उसके बाद इसका जो पूरा लुक है वो निखर के आने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेन जो हेडलैम्प के बाद सबसे बड़ा बदलाव है वो है, पहले हम पीछे से चाबी निकाल लें, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि ये सेम एज इट इज़ वही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, जो कि आपको स्प्लेंडर प्लस या तो स्प्लेंडर एक्सटेक आती है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको कुछ नॉर्मल से जो रेगुलर फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आपका स्पीड देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसे एक बार टर्न ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको लिखने को आ जाएगा हेलो हीरो, हेलो माय हीरो का आपको यहाँ पे वेलकम नोटिस मिल जाएगा। इस तरफ जो आपका फ्यूल मीटर है वो देखने को मिल जाता है। और बीच में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के बाद आपके स्मार्टफोन की बैटरी कितनी है स्मार्टफोन में, या तो फिर कॉल या फिर मैसेज अलर्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरफ अगर हम कुछ स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे है न्यूट्रल, यहाँ पे आपको i3S की लाइटिंग देखने को मिल जाती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ i3S है क्या। यहाँ पे आपको इंजन वार्निंग लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी पैसिंग लाइट है, उसके ऊपर आप देख सकते हो आपको आपका जो टर्न इंडिकेटर है वो, और उसी के साइड में आपको यहाँ पे जो साइड स्टैंड है उसकी वार्निंग लाइट भी देखने को मिल जाती है। और दूसरे कुछ इंटरफेस की बात करें तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, ट्रिप सेट कर सकते हो, ए या बी दो ही ट्रिप सेटिंग से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ए बी दो ही ट्रिप सेटिंग है। और इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे जो स्मार्टफोन चार्जर है ना वो नीचे की तरफ दिया गया है, जिससे कि ये बारिश में भी ख़राब नहीं होगा, और साथ ही में आप कंफर्टेबली अपना फ़ोन भी यहाँ पे हैंग इन कर सकते हो, आपको सिर्फ एक स्मार्ट स्टैंड खरीदना पड़ेगा।
और अगर हम बात करें हैंडल ओवरव्यू की तो कुछ इस तरीके का आपको हैंडल ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हैंडल कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पैसिंग की लाइट मिल जाएगी। अभी हम पैसिंग का अगर एक बार थ्रो करके देख ले तो सामने की दीवार पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा लेकिन पूरी डे लाइट में भी इसका जो पैसिंग थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल जाता है। नीचे आपकी हाई बीम लो बीम ऑन ऑफ करने की स्विचेस है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर स्विचेस है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लिकी स्विच अभी इस बार अपग्रेड हो चुका है। नीचे आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा। इस तरफ i3s यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का जो ऑन ऑफ स्विच है वो देखने को मिल जाएगा। अभी ये सिस्टम क्या है वो आप सभी में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जब भी आप ट्रैफिक में रुकोगे तब ऑटोमेटिकली आफ्टर 7 सेकेंड्स आपकी बाइक बंद हो जाएगी, फिर जैसे ही आप अपना सिर्फ एक सिंपल क्लच प्रेस करोगे तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा और बाइक की जो माइलेज है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। नीचे की तरफ आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं आपको इसकी साउंड भी सुना देता हूँ, तो आप सुन सकते हो बहुत ही ज़्यादा मीठी साउंड यहाँ पर आपको सुनने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे आपको हीरो की जो केयर है उसे डायरेक्ट यहाँ पे आप इसे स्कैन करके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और सीटिंग की बात करें तो वहाँ पे एक छोटी सी अपग्रेड है इस कलर में, ये जो आप देख रहे हो सेम यही कलर की डार्क ग्रे यहाँ पे स्टिचिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी सीट के लुक को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है और बाइक के ओवरऑल लुक को भी काफ़ी हद तक ये इन्हेंस कर देती है। यहाँ पे भी आपको स्टिकर में हीरो की बेजिंग मिल जाएगी। सेम एज यूजुअल वही रेगुलर वाला आपको ग्रिप हैंडल भी देखने को मिलने वाला है। और सीट के कुशनिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं पहले के मुकाबले। अभी ना रियर जो पिलो राइडर है वो थोड़ा हायर सेक्शन पे बैठेगा, जिससे कि लॉन्ग राइड में वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबली ट्रैवल कर पाए। तो ओवरऑल इस बाइक की अगर आप बात करें तो ये आपको अराउंड सिटी में आप पकड़ के चलिए 65 टू 70 की माइलेज प्रोवाइड कर देगी अगर आप इसे इको मोड में और इजीली रन करोगे। बाकी ओवरऑल बाइक तो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, जानी पहचानी है, बस कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाइक काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती है यार, पर्सनली मेरे दिल पर बैठ चुकी है। देखने में इसका लुक बेहतरीन अपग्रेड हो चुका है, ये कोई 150cc बाइक हो ना 1.5 लाख वाली उस तरीके का लुक अभी प्रोवाइड करवा रही है बस सिंपल एक हेडलैम्प अपग्रेड की वजह से। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अभी आपको ऑन रोड 98,000 के आसपास हमारे यहाँ पे सूरत गुजरात में मिल जाएगी, बाकी ऑल ओवर सिटी के मुताबिक हर एक जगह पे अलग अलग प्राइसिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो पर्सनली अगर आप 125cc में एक ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो जो कि आपको अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड करवा दे, साथ ही साथ टॉप ऑफ द लाइन लुक भी प्रोवाइड करवा दे, साथ ही साथ टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स भी प्रोवाइड करवा दे, तो उस टाइम पे आपके लिए हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डील साबित हो सकती है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।